सो व्हाट्स अप फैमिली, वेलकम बैक टू माय नया व्लॉग। तो अभी का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, करेक्ट 7:30। अभी जोमेटो से ऑर्डर किया है खाना, तो चलिए थोड़ी देर देखिए एक्टिव वाली भैया की आवाज आई और ये आके अपना जोमेटो से। और भाई मैंने करेक्ट 7 बजे किया था और 7 बजे और 7:35 तक आ गया भाई, 35 मिनट लगे मस्त मात्र। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग स्टार्ट करें। चलो, पहली बार देखा कि इतनी अच्छी पैकिंग आई है भाई साहब, पहली बार सलाद आया मेरे में तो नहीं है। ये देखो सलाद, अरे वो नहीं खुल रही, ये सलाद आया, ये कट पनीर में देखो भाई, और ये रोटियाँ तंदूरी भाई, क्योंकि बताऊँ बटर वाली में 3-4 रुपये बिना हाथ में पड़ जाते हैं, हम पे देसी घी है ही। तो चलिए अभी खाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा आया। ध्यान से घी गर्म करें आए तो अनबॉक्सिंग करते हैं सबकी। भाई इसकी अनबॉक्सिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ओ भाई अनबॉक्सिंग हो जाए, पहले ही उन्हें फ़ोन करके बोल दिया था कि मसाला तेज चाहिए, तो उन्होंने सच में मसाला तेज कर पूरा बटर फटर करके भाई सलाद इसमें दिया है। सोचो ये रोटी अपना नमक अभी खाते हैं, फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। ओ दरा चा स्टार प्लस चा, कुछ और नहीं चलता। अभी अंडा लेते हैं फिर थोड़ी देर में, और बताऊँ रात में वैसे अंडे खाने में बड़ी मज़ा आती है। चलिए अभी खाते हैं, चल लेते हैं फिर मिलते हैं। सही है, कितने का अपन झुके मीटर नहीं है, टाइम 10:45। चलो दिखाता हूँ, अपनी मूवी चल रही है मस्त वाली, मस्त मूवी आ रही है, झूठने वाले मजे आ रहे हैं पुष्पराज देख रहे हैं। तो चलिए अभी इसका एंड देखते हैं, बस एंड होने ही वाला है 20-25 मिनट की और रही शायद, हाँ 20-25 मिनट की रहेगी। तो उसके बाद पढ़ने बैठते हैं और अपनी पॉलिटी और हिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, चलो बस ये खत्म होने वाली, फिर इसके बाद पढ़ने बैठना मस्त। चलो भाई सोच रहे थे बहुत पढ़ाई हो सकती है, बट पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई और टाइम कुछ और लगा दिया है। और ये देखो अब अलग 2-3 घंटे में तो इसे निकाल देंगे, और भाई बहुत तेज नींद आ रही है बेड में रख के ये अपनी यार। चलिए अभी सोते हैं, और टाइम कितना हो गया, 11:52 हो रहे हैं अभी, और भाई मुझे नहीं लगा था मैं पढ़ पाऊँगा, बट सो रहा हूँ, मिलूंगा तो सुबह ही खत्म। सो व्हाट्स अप फैमिली, वेलकम बैक टू माई नया व्लॉग। तो अभी का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के करेक्ट 12:40 से, और बताऊँ मस्त अभी ट्रिप तैयार हो चुकी है, प्लान हो चुकी है आगरा के लिए। तो चलिए अभी नहाते धोते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, और यहाँ से टेम्पो से चलेंगे, फिर वहाँ से बस से निकलेंगे। ट्रेन वगैरह कोई है नहीं, और ट्रेन में आने में वैसे भी खतरा वतरा रहता है, तो इसलिए चलो निकलते हैं और मिलेंगे थोड़ी देर में। बस रेडी तो हो चुके हैं, बट बस मम्मी पापा से पूछने जा रही हैं और रख दिए बिल्कुल प्रॉपर वे में। चलिए अभी देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या आता है, नहीं पापा जा रहे होंगे तो गाड़ी बैक कर देंगे थोड़ा, और जा रहे होंगे तो फिर कोई बात है ही नहीं, बट गाड़ी में नो व्लॉग बिकॉज पापा है। गाइस पापा ने तो साफ मना कर दी, कह रहे वहाँ पे बताऊँ इस टाइम पे जाम लगा हुआ है, तो उनने बोली टेम्पो लिया, टेम्पो से चले आ। तो चलिए अभी टेम्पो लेने चलते हैं, थोड़ा ही दूर मिल जाएगा पुल के नीचे। ये सब क्यों लड़ रहे हैं बिना हालतू में इतने सारे। गाइस मुझे लगा नहीं था आते ही बस मिल जाएगी, बट आते ही बस मिल गई भाई, सबसे मस्त तो यही हुआ मैं तो। अब मस्त बस है, पूरी खाली है। इस बात का फायदा है कि बताऊँ सोशल डिस्टेंसिंग आराम से पालन हो जाए, और बाहर भी बताऊँ कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी चलते हैं और निकलते हैं, आपको दिखाते हैं आज की ट्रिप। अब हम जा रहे हैं आगरा, प्रॉपर आगरा अपनी नानी पास। चलो सच बताओ इधर से निकलना एक तरह से एक पर जल सही है, भर रहा हूँ इतनी भीड़ देखो मत ज़्यादा मुझे हिसाब से कितनी भीड़ होगी तगड़ी। वैसे मेरे को निकालना चाहिए था, बट ये देखो रेस स्टार्ट हो गई दोनों बसों में, वो निकाल दी। तो बताओ मेन ये चौराहा है, ये चोपला पुल के पास तो जाएंगे नहीं शायद, चोपला पुल आप लोगों को तो मालूम है, बरेली वाले व्यूअर्स होंगे जो मेरे उन्हें मालूम होगा। तो चलिए अभी बताओ चलते हैं और बिगिन स्टेप घूम। ये आगे वो उस मेन रोड से नहीं ले आ रहे, जो बेकार सी रोड है उससे नहीं ले आ रहे, और मस्त रोड से जाएंगे तो बाहर का व्यू। भाई भाई कितना मस्त आ रहा है, इस साइड में जाती थी पहले बस, ये मेन कैंटोनमेंट बट उधर नहीं जा रही है, तो इसलिए अब मजे मस्ती मस्त है। तो चलिए ओ भाई कितना छोड़ दी पहले, ये देखो क्या मस्त हो। अभी बताऊँ थोड़ा आगे पहुँच चुके बताई तक, तो चलिए बताऊँ अभी एक मूवी देखना स्टार्ट करते हैं, जो डाउनलोड करके आए एक जय भीम देखेंगे और पुष्पा अपनी पूरी देख ली। तो चलिए थोड़ी हिल रही है जैसे तो भाई जाम देखो, जाम दिखाओगे भाई देखो आगे तक जाम है, आगे तक पूरा आगे तक। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस अभी टिकट वगैरह ले लिए, और टिकट 3 टिकट लगी
पूरे 790 भाई, 790 और सो जो 790 और 100 रुपये उधर टम्पू के ले लिए हमने, 890 900 और वहाँ से 100 रुपये, मतलब 1000 रुपये एक चक्कर बढ़ा, 1000 1000 2000 खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। मस्त ये शीशा बंद करते हैं पहले तो, चलो सोते और ये पर्ची बताओ मारने के लोग क्यों टांग देते मेरा, बट अभी क्या मतलब हम तो अपने लेट हैं क्या है, मस्त लेट हैं क्या अभी, अरे 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 ये सो गए, अब देखेंगे मूवी उस पर आज तो देख ली, काटा परी वाली देखते हैं, तो चलिए मिलते सोते। तो गाइस बताऊँ अभी एक बहुत सही धक्का सा लगा मुझे, जैसे मेरे अकाउंट में से आए 1000 रुपये कट गए मेरे को एकदम भाई धक्का हो गई, तो फिर मैंने थोड़ा ध्यान से देखा कि जैसे फ़ोन पे वॉलेट पे गए थे वो पैसे अपने आप ही, फिर मैंने अंदर मैसेज में जा के देखा तो उसमें ऐसे कुछ दिखा रहा था जैसे अपने जैसे 4000 से कम रुपये होते हैं तो अपने आप कट जाते हैं उसमें फ़ोन पे की वॉलेट में 1000, फिर मुझे थोड़ा बहुत समझ आया कि ऐसे व्यवस्था बताऊँ जैसे अपने आप कट जाते हैं, फिर मैंने 1000 रुपये जल्दी जैसे अपने रिचार्ज किया डिस्काउंट, मैंने 1000 रुपये का रिचार्ज, अब इसीलिए निच्चू हो गए 1000 रुपये का रिचार्ज कर दिया, तो चलिए अब बस चल दिए, तो चलिए अब निकलते, अब यहीं रुकी थी रास्ते में। तो गाइस बहुत देर से बैठे रहने के बाद अब जाके आया कासगंज, देखो पूरी बस खाली है, इसमें ये फ़ायदा है ना, मुझे और कोई चीज़ नहीं लगी, और कासगंज बस स्टैंड आ गया, करीब टाइम हो गया है 5:28 हो गए, फिर 5:30 मतलब हम चले थे 3 बजे, 3 से 2.5 घंटे में ये, और हम शायद आगरा पहुँच जाएंगे रात के 8 बजे तक पहुँच जाएंगे, फिर 5:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8, 9 बजे तक पहुँच जाएंगे फिर 9 बजे, तो चलिए अभी थोड़ा और मूवी देखते हैं, मस्त लग रही है जेवीम पे यार, मूवी देखो तो जेवीम देखो मतलब मुर्गो मंदिर। गाइस अभी टूटला आ चुका है प्रॉपर, अभी लाइट जली है और भाई साहब करीब 2 बजे निकले थे और 8 बज रहे फिक्स, ना एक मिनट पीछे ना आगे, चलिए अभी मस्त हो रहा है भाई साहब, ठंडी ऐसी पड़ रही है जो रेल पूछो बच्ची, तो गाइस बिल्कुल देखो तो मस्त हो रहा है, और ये प्रॉपर यही है जाते हैं जैसे मैं उसके लिए जाना होता है आगरा के लिए, अब सीधे जाएंगे और अपना फिर आगरा आएगा अभी, और फिर वहाँ से टम्पू करके जाना पड़ेगा, शायद मामा उधर है ना अभी मैनपुरी ड्यूटी पे तो आ नहीं पाएंगे, चलिए अभी देखते हैं कितनी देर रोड लगेगी, करीबन यहाँ से भी अभी 1 घंटे का रास्ता है, 8 मतलब 9 और वहाँ से आधा घंटे 9:30 बज जाएंगे आराम से, एक शादी और उस पर देखेंगे जाएंगे तो गए तो गए नहीं तो फिर गए, बहुत देर बाद चलने के बाद अब जाके बताऊँ करेक्ट 9 बज गए, मुझे लगा था आ जाएंगे बट टाइम बहुत हो गया, और बताऊँ अभी आया नहीं है, आने वाला है, पर बताऊँ जैसे वो तो सही चला रहे हैं आराम से 65-66 खींच रहे हैं, सही है स्पीड, जैसे उसमें मारा पड़ जाता है मैप में कितनी स्पीड है, तो चलिए अभी चलते हैं फिर थोड़ी देर में दिखाता हूँ, बताऊँ उन लोगों ने पहले ही हम लोगों को उतार दिया है, तो अभी शायद कन्फर्म कर रहे हैं कि बताऊँ या तो डायरेक्ट कर ले रहे या फिर ISBT से मिल जाएगा, तो चलिए अभी देखते हैं काम, तो चलिए गाइस अभी देखते हैं मिल जाएगा तो नहीं तो फिर कोई फ़ायदा है ही नहीं, बट रोड पे ब्लॉक बना रहना चाहिए, जल्दी टेम्पू तो मिल चुका है, तो चलिए अभी निकलते हैं। अंगड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, अंगड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, वो आह की आवाज है आती हर ओर से, मैं तो चलो इस खतर के मच जाए रे गदर होश वाले। तो गाइस अभी आ चुके हैं बिल्कुल, अभी एक एंट्री दिखाता हूँ मस्त सी, हाँ आ गया जी, आ गया आ गया, गाइस देखो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, ज्यादा बड़ा नहीं है, अराउंड 40 डेज का कुछ ऐसा है, भाई देखो तो आंखें भी नहीं खोल रहा, आलसी होते हैं जो ऐसे लगते हैं भालू के बच्चे होते हैं जो। तो गाइस ये मेरी प्यारी छोटी छोटी बहनें हैं, मौसी की लड़कियाँ, बहुत उद्यमी है, तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग एंड करते हैं, तो गाइस अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।